फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल जे के लाइफ रॉक में। और आज मैं जाने वाली हूँ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जी हाँ, पोर्ट ब्लेयर में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक म्यूज़ियम है, जहाँ पे यहाँ के ट्राइब्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, जैसा कि आप लोग समझते हैं कि मानव विज्ञान, यानी मानव के बारे में जितनी भी स्टडीज़ है वो सब वहाँ पे दिखाई गई है। तो अगर आप लोग पोर्ट ब्लेयर आए हैं तो एक बार ज़रूर ज़रूर म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करिएगा। ये मिडल पॉइंट पोर्ट ब्लेयर में है, और जो भी टूरिस्ट प्लान कर रहे हैं अंडमान आने का, एक बार म्यूज़ियम को देखिएगा। आप लोग समुद्रिका तो जाते होंगे, लेकिन आप एक बार एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो म्यूज़ियम है वहाँ भी जाइएगा। और एक ख़ास वजह और है, अगर आप लोग अभी आजकल में एंथ्रोपोलॉजी जा रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर उससे पहले मैं सभी अपने सब्सक्राइबर्स और अपने सभी व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी और उन्हें पसंद किया। तो जो खास वजह मैं आपको बता रही थी वो ये है कि मैंने और मेरी टीम थी एक, हम सब ने मिलकर एक पेंटिंग एग्जीबिशन कराया है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। और वो एग्जीबिशन में एक ऑर्फनेज के बच्चों की मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग है और जारवा के बच्चों की पेंटिंग है, उन दोनों का एक कोलेबोरेशन हमने एग्जीबिशन में लगाया हुआ है। और वो 15 डेज़ के लिए पब्लिक के लिए भी ओपन है। तो अगर आप लोग अंडमान घूमने आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग एक बार वो एग्जीबिशन ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग बाद में भी आते तो म्यूजियम जरूर विजिट करिएगा। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फोटोग्राफी ना करें। किसी भी इंडिया के म्यूजियम में जाते हैं तो, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, तो प्लीज फोटोग्राफी मत करिएगा। और आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो में बाहर से आपको म्यूजियम के बाहर से दिखाती हूँ कि बाहर का नजारा भी बहुत खूबसूरत है। और एग्जीबिशन देखने जाएं या म्यूजियम देखने जाएं तो विजिटर बुक में अपने रिव्यूज जरूर लिखिएगा। तो ये हम पहुंच गए हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूज़ियम, और ये यहाँ पे गेट है। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप किसी भी टैक्सी वाले को या ऑटो वाले को ये बोल सकते हैं कि बंगाली क्लब के सामने हमें उतार दीजिए, या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ का जो एक मुबारक स्टोर है, मुबारक स्टोर जो सबसे बड़ा वाला यहाँ पर हाइपर मार्केट है, जगह का नाम मिडल पॉइंट है, शहर के बीचों बीच में है, सभी लोग जानते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आने में। तो आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। और ये मैं आपको म्यूज़ियम का यहाँ पे ऊपर में बहुत ही खूबसूरत सी ये जो पेंटिंग की गई है वो आपको दिखा रही हूँ। म्यूज़ियम अंदर से काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे फ्लोर्स हैं, और जहाँ आपको ये ब्लू कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, जोनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम, इसी रोड पर आपको आगे जाना है। टिकट कहाँ से लेनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी, और बहुत ही सस्ती टिकट है, सिर्फ 10 रुपये की टिकट है, और नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या उनके पेरेंट्स, आप लोग एक बार अगर पोर्ट ब्लेयर आते हैं, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, तो यहाँ पे आकर आप इस म्यूज़ियम को देख सकते हैं। और म्यूज़ियम जो है अंदर से बहुत सारी जानकारी है, स्पेशली अगर आप ट्राइबल्स के बारे में, आदिवासियों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी काफ़ी जानकारी है। और इस म्यूज़ियम में कई फ्लोर्स हैं, और सब कुछ बहुत ही ऑथेंटिक वे में कलेक्ट किया गया है, सब कुछ सच्चा है यहाँ पर जो कलेक्ट किया गया है। सारे म्यूजियम्स में जो चीज़ें रखी जाती हैं, बहुत लोगों को लगता है कि नकली है, नकली चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सारे रिसर्च के बाद, टेस्ट के बाद ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करके आपके सामने लाया जाता है, तो बहुत हार्डवर्क लगता है। और यहाँ पे मैं आपको म्यूज़ियम की टाइमिंग दिखा देती हूँ, जो कि आपको सामने दिखाई दे रही होगी, 9 AM to 1 PM, 1:30 PM to 4:30 PM। तो आप लोग इन टाइमिंग्स में आ सकते हैं। और यहाँ पे अंडमान के लिए टूरिस्ट गाइड भी एक दे रखा है, मतलब कौन सी जगह कहाँ कहाँ है, तो इस तरह का यहाँ पे एक मैप दे रखा है। आप मैप को देखकर भी देख सकते हैं कि अंडमान में कितने आइलैंड्स हैं। और बाहर भी इसके बहुत खूबसूरत है। म्यूज़ियम के अंदर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, और म्यूज़ियम के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ये रूल्स भी नहीं हैं। तो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ कि बहुत अच्छा है। और यहाँ जो लिखा हुआ है वे टू म्यूज़ियम, यहाँ से आपको जाना है। और ये जो बोट हैं, ये बोट जो हैं वो ट्राइबल्स द्वारा बनाई गई बोट हैं, और इनका जो है बहुत लंबी लंबी सी ये बोट्स हैं। तो यहाँ पर आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, बाहर में फोटोग्राफी अलाउड है,
अंदर में अलाउड नहीं है। तो ये ओरिजिनल उनके ट्राइबल्स वाली बनाई हुई जो बोट है वो यहाँ पे डिस्प्ले पर रखी गई है। अंदर ऐसी और भी बोट हैं और बगल में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, यहाँ आपको नहीं जाना है। जो मैंने आपको रास्ता दिखाया सामने जहाँ पर जोनल म्यूज़ियम लिखा है उधर आपको जाना है, और ये बीच की जो सीढ़ी है, और यहाँ हम आ गए हैं म्यूज़ियम में जो कि मॉडर्न आर्ट और जारवा के बच्चों की पेंटिंग की यहाँ पर दिखाई हुई है। ये एग्जीबिशन होने से पहले मैंने फोटोग्राफी की थी क्योंकि हम लोग खुद ही लगा रहे थे, इसलिए मैंने ये फोटोग्राफी की है। और आप देखिए कितना बारीक काम हो रखा है, ये एक ऑर्फनेज के बच्चों ने बनाया है, यानी अनाथ आश्रम के बच्चों ने बनाया है, और खुद सीखते हैं खुद बनाते हैं, और उसका यहाँ पर डिस्प्ले लगाया गया है। जारवा के बच्चों की जो पेंटिंग्स हैं उनका मैंने किसी कारणवश जो है वीडियो नहीं लिया है और नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने नहीं लिया है। पर आप इन पेंटिंग्स को देखिए, बल्ला जो कहते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत, खूबसूरत वर्ड भी बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छा है। और ये है बाहर का नज़ारा, वीडियो छोटी सी है लेकिन बिल्कुल ऐप्ट है, अच्छी लगेगी। तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करिएगा प्लीज़, अपनी दुआओं में याद।